खबर गाजीपुर से, जहां सांसद अफजल अंसारी ने बयान देते हुए सपा कार्यकर्ताओं को हनुमान बताया, जबकि बीजेपी और मोदी को मारीची और रावण बताया है। अफजल अंसारी ने कहा है कि भाट लोग मोदी को विष्णु का अवतार बता रहे हैं, और अफजल अंसारी ने बयान देते हुए कहा कि इन्हें भगवान मत कहिए, ये भेष बदलने वाले लोग हैं और इन्हें मारीची और रावण कहिए। अफजल अंसारी ने कहा कि भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम किसी का रिजर्वेशन है क्या जो उनके लिए कोई आपसे परमिशन लेगा? अफजल ने कहा कि भगवान हनुमान शक्ति का प्रतीक है और हमारे कार्यकर्ता हमारे लिए समुद्र में पुल बनाएंगे। अफजल ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी दल की रीढ़ होते हैं। इस दौरान अफजल अंसारी ने बगैर नाम लिए बसपा और मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि हम जिसके साथ में हाथ डालकर चल रहे थे, उन्होंने संकट में हाथ छुड़ा लिया है। 18 सीट में अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी दल की रीढ़ की हड्डी होता और वो मन बना ले, भगवान राम जब समुद्र पर पुल बनाने गए तो उन्हीं ने बनाया था, तो वो सब हनुमान बन गए थे। उसको समुद्र बांध दिया गया। तो पिछले चुनाव के बाद से लगातार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हमारे साथ जो जाति और उत्पीड़न किया गया, गाजीपुर की जनता इसे देखती रही, वो पीड़ा महसूस करती रही, उसकी हमदर्दी हमारे साथ है और कल भी थी। लेकिन अफसोस ये है कि जिनके हाथ में हाथ डाल के हम चल रहे थे, उन्होंने संकट की घड़ी में हाथ छोड़ा लिया। लेकिन हम धन्यवाद देंगे माननीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया को, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में